हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिपाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, क्या GSTR 3B की डेट एक्सटेंड हो गई है? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि GSTR 3B की डेट जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि GSTR 3B की डेट सबके लिए एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ जिन लोगों को ट्रांजिशनल क्रेडिट लेना है, क्योंकि उनकी साइड से बहुत बड़ी डिमांड गवर्नमेंट की तरफ जा रही थी कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो उसका पेमेंट क्यों करें। और अगर आप याद करेंगे तो पुरानी जो हमने एक ट्रांजिशन वाली वीडियो की थी कि ट्रांजिशनल क्रेडिट हमें कैसे मिलेगा, उसमें मैंने आप लोगों को यही सजेस्ट किया था कि एक तो आप अपनी GST की रिटर्न होल्ड करो, जितना मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आएगी इसके लिए। और दूसरा ये कि आप अपनी रिटर्न में उस क्रेडिट को क्लेम कर लो, ट्रांजिशनल क्रेडिट को अदर क्रेडिट में लिख के, और उसके बाद अगर आपकी कोई डिमांड आती भी है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आपका एक्सेस आप यूटिलाइज कर लोगे तो। सेम ही थिंग को गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन के थ्रू अब क्लियर कर दिया है। तो जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की साइड से इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि अगर आपके पास ट्रांजिशनल क्रेडिट है तो आपको 20 तारीख तक अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद जो आउटपुट लाइबिलिटी आएगी उसका पेमेंट करना है। याद रखिए, रिटर्न भले वो बाद में फाइल करेंगे लेकिन पेमेंट आपको अपने टैक्स का, ट्रांजिशन वाला टैक्स एडजस्ट करने के बाद 20 तारीख तक ही करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार क्विक रिमाइंडर ये भी बता देती हूँ कि ट्रांजिशनल क्रेडिट को आप एडजस्ट कैसे करोगे। आपका जो सेंट्रल टैक्सेस का क्रेडिट है ट्रांजिशनल, उसको आपको एडजस्ट करना होगा CGST की लाइबिलिटी से, और जो आपका क्रेडिट है लोकल टैक्सेस का यानी कि स्टेट लेवल टैक्सेस का, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा आपका SGST में, उसको आप एडजस्ट करेंगे SGST की लाइबिलिटी से। और इन दोनों ही क्रेडिट को आप अपने IGST की लाइबिलिटी से भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि IGST दोनों से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन आप स्टेट वाले टैक्स को सेंट्रल वाले टैक्स से या सेंट्रल वाले टैक्स को स्टेट वाले टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते। साथ ही आपको इस क्रेडिट की एलिजिबिलिटी तभी मिलती है जब आपने कुछ बेसिक कंडीशंस पूरी कर ली हो, जो सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 एनुमरेट करता है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो पिछले लॉ में आपकी रिटर्न्स हैं वो रिटर्न आपकी फाइल हो गई हो। तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो जल्दी से आप पुरानी रिटर्न को फाइल कीजिए, यानी कि आपकी सर्विस टैक्स की, आपकी जो भी पुराने लॉ की रिटर्न है उसको आप लोग जल्दी पहले उसको फाइल करें, उसके बाद आप ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसको आप जल्दी से जल्दी फाइल करें अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली स्टेट वाला स्टेट से और सेंट्रल वाला सेंट्रल से या दोनों IGST से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद जो आपको पेमेंट बचेगा उसको आप पे करोगे। अभी आपको सिर्फ पे करना है, 3B फाइल नहीं करना है, तो आप सिर्फ पे कर दोगे चालान फिल करके अपने GST के लॉगिन से। और उसके बाद आप 21 तारीख को गवर्नमेंट TRAN 1 डाल देगी, तो उसके बाद आप TRAN 1 फाइल करोगे। TRAN 1 को फाइल करने के बाद जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो क्रेडिट खुद आपके पास आपके क्रेडिट लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो वहाँ से आप एडजस्ट करके पुराने चलान को वहाँ पे शो करके, जो आपके कैश लेजर में ऑलरेडी आ ही रहा होगा, यानी कि बैलेंस टैक्स, आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेस यूटिलाइजेशन कर लिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे 18% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो वो भी इन लाइन्स विद लॉ ही है। तो मैंने आपको पहले भी वो डिस्कस किया था कि आपसे सिर्फ इंटरेस्ट ही चार्ज किया जा सकता है, तो सेम लाइन्स पे है। तो अगर आपका ट्रांजिशनल क्रेडिट है, फिर से क्विक रिमाइंडर, आपको 20 तारीख तक टैक्स पे करना है सारा क्रेडिट एडजस्ट करके, और उसके बाद आपको TRAN 1 फाइल करना है, उसके बाद आपको 28 तारीख तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सो दिस वॉज द क्विक अपडेट फ्रॉम आर साइड। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरीज और अपने इनपुट्स हम तक ट्विटर के थ्रू भी पहुँचा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो ट्विटर चैनल है उसको लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं फॉर फास्ट एंड क्विक अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।